हेलो गाइस, आप सभी को हमारे चैनल बिकम वर्स में स्वागत है। गाइस, आज हम लोग एडोब फोटोशॉप ट्यूटोरियल के अंतर्गत किसी भी इमेज का शार्पनेस कैसे बढ़ाते हैं वो सीखेंगे। जैसा कि आप देख सकते हैं, यहाँ पे एक इमेज हम ओपन किए हैं ऑलरेडी, तो कंट्रोल प्लस स्पेस बटन प्रेस करके इस तरह से ड्रैग करते हैं तो ये देखिए जूम होगा, ठीक है। इसके आँख पर गौर कीजिएगा, ये देखिए इसका आई जो है अभी थोड़ा सा ब्लरिश टाइप का है, धुंधला टाइप का है। तो इसका शार्पनेस कैसे बढ़ाएंगे उस पर बात करेंगे। इस वीडियो के अंतर्गत हम दो तरीका बताएंगे शार्पनेस बढ़ाने का। तो चलिए पहले तरीका को देखते हैं। कंट्रोल प्लस जीरो बटन पहले प्रेस करते हैं, ठीक है, जिससे ये स्क्रीन के अनुसार फिट हो जाएगा। इसके बाद यहाँ पे देखिए लेयर्स में आते हैं और इसका एक डुप्लीकेट बनाते हैं। डुप्लीकेट बनाने के लिए आप कंट्रोल प्लस जे बटन प्रेस कर सकते हैं, ठीक है, जिससे इसका डुप्लीकेट बन जाएगा। कंट्रोल जेड करते हैं या फिर इसको ड्रैग करके यहाँ पे न्यू लेयर के पास ले आएंगे और छोड़ देंगे, जिससे इसका एक डुप्लीकेट बन जाएगा, ठीक है। तो डुप्लीकेट बन गया। इसके बाद हम जो डुप्लीकेट बनाए हैं उसको सेलेक्ट रखेंगे, ठीक है। इसके बाद यहाँ पे मेनू बार में फिल्टर मेनू पे आएंगे, ठीक है, और यहाँ पे देखिए सबसे नीचे आपको दिखेगा अदर का ऑप्शन, अदर पे जाएंगे और यहाँ पे हाई पास का जो ऑप्शन है उस पर क्लिक करेंगे, ठीक है। क्लिक करने के बाद देखिए कुछ इस तरह से आपको डायलॉग बॉक्स एक खुल के आएगा इस तरह से, ठीक है। पहले हम देखिए हल्का सा इसको जूम कर ले रहे हैं इस तरह से, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए रेडियस पूछ रहा है, ठीक है, रेडियस अभी बाय डिफॉल्ट 10.5 है, ठीक है। तो इसको हम यहाँ से क्या करेंगे, हल्का सा कम करेंगे। और एक बात फ्रेंड्स, यहाँ पे ध्यान रखिएगा कि इसका रेडियस हम बहुत ज़्यादा नहीं रखेंगे, ठीक है, 5 के आसपास रखते हैं, ठीक है, और यहाँ से ओके कर देते हैं, ठीक है। इसके बाद क्या करेंगे, यहाँ पे लेयर्स में ही आएंगे और यहाँ पे जो ब्लेंड मोड है, ठीक है, नॉर्मल अभी है, इसको क्या करेंगे यहाँ पे क्लिक करेंगे और इसको यहाँ से देखिए हम हार्ड लाइट है, हार्ड लाइट पर क्लिक कर देते हैं, ठीक है। यहाँ पर हार्ड लाइट पर जैसे क्लिक कीजिएगा तो ठीक है कुछ इस तरह से इमेज दिखेगा आपको। अभी देखिए और थोड़ा सा जूम कर रहे हैं हम यहाँ पे, ठीक है, और स्पेस बटन प्रेस करके इसको ऊपर नीचे ड्रैग कर सकते हैं, ठीक है। इसके बाद देखिए यहाँ पे लेयर्स में जो है, यहाँ पे जो बैकग्राउंड कॉपी बना है इसका विजिबिलिटी यहाँ से देखिए ऑफ करते हैं। इसका विजिबिलिटी जैसे ही ऑफ करेंगे तो देखिए पहले जो इमेज था कुछ इस तरह का था, ठीक है। यहाँ पे गौर कीजिएगा, इसके आई पे गौर कीजिएगा, इसके हेयर पे गौर कीजिएगा, और यहाँ पे जो बैकग्राउंड कॉपी है इसका विजिबिलिटी ऑन करते हैं। जैसे यहाँ पे क्लिक करते हैं देखिए, तो देखिए किस तरह से ये इसका शार्पनेस बढ़ा है। यहाँ पे देखिए हम यहाँ पे ऑफ किए, कुछ इस तरह का था पहले, अब देखिए इसका शार्पनेस बढ़ गया है, ठीक है। इसी तरह इसके हेयर पे देखिए, यहाँ से देखिए हेयर पे गौर कीजिएगा इसके, ठीक है, इस तरह से इसका शार्पनेस बढ़ा सकते हैं। ये एक तरीका हो गया। इसके बाद गाइस गौर कीजिएगा यहाँ पे फेस पे देखिएगा, फेस पे भी ज़्यादा ये शार्पनेस बन गया है, ठीक है, फेस पे भी ज़्यादा शार्पनेस बढ़ गया है जो ऑड लग रहा है। तो इसको स्मूथ कैसे करेंगे उसका हम ट्यूटोरियल ऑलरेडी बना चुके हैं, उसका लिंक हम डिस्क्रिप्शन में दे देंगे, आप उस पर क्लिक करके देख सकते हैं, या फिर यहाँ पे आपको आई बटन में दिख रहा होगा, ठीक है, तो वहाँ पे जाके देख सकते हैं कैसे स्किन को स्मूथ करते हैं। उसका हम 2-3 वीडियो बनाए हैं स्किन स्मूथ करने का, ठीक है। तो ये एक तरीका हो गया। और उसके बाद हम दूसरा तरीका पर देखते हैं, इसके लिए अल्ट कंट्रोल जेड करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर फिर से इसका हम एक डुप्लीकेट बनाते हैं, ठीक है, यहाँ पे ड्रैग कर लिख के एक डुप्लीकेट बना लिए। इसके बाद फिर से हम मेनू बार में फिल्टर मेनू पे जाएंगे और यहाँ पे देखिए आपको एक दिखेगा ऑप्शन शार्पन, ठीक है, शार्पन पे जाएंगे और यहाँ से सबसे नीचे आपको दिखेगा अनशार्प मास्क, इस पर क्लिक करेंगे, ठीक है। जैसे ही क्लिक करेंगे तो देखिए थोड़ा सा चेंजिंग यहाँ पर आपको दिखा होगा, अगर गौर किए हुए तो दिखा होगा, बट आपको आगे भी मैं दिखाऊँगा। तो यहाँ पर देखिए अमाउंट क्या है, यहाँ पर पहले हम इसको जूम कर ले रहे हैं। अमाउंट देखिए बाई डिफॉल्ट 161 है, ठीक है, देखिए इसको हम घटाएंगे तो किस तरह का इफेक्ट आपको दिखेगा। यहाँ पे गौर कीजिएगा इसके फेस पे, ठीक है, इसके हेयर पे, ठीक है। तो यहाँ पे जैसे अमाउंट कम कर दिए तो देखिए धुंधला टाइप का हो गया ये। तो हम देखिए यहाँ से बढ़ाते हैं तो इसके आई पे गौर कीजिएगा किस तरह से इसका शार्पनेस बढ़ रहा है। तो यहाँ से देखिए हम इसको क्या करते हैं 160 के आसपास रखते हैं, 162 रखें। इसके बाद देखिए नीचे है सेकेंड ऑप्शन है रेडियस, रेडियस क्या करते हैं यहाँ बाई डिफॉल्ट 3.4 है, इसको थोड़ा सा यहाँ से कम कर लेते हैं, बहुत ज़्यादा कम नहीं करेंगे तो नहीं तो फिर से वही रिटर्न आ जाएगा इमेज। 3.5 रखते हैं और यहाँ से ओके कर देते हैं, ठीक है। तो देखिए अब यहाँ पे आपको जूम करके दिखा रहे हैं, फिर से यहाँ पे देखिए इसका विजिबिलिटी ऑफ करते हैं, तो देखिए पहले कुछ इस तरह का था इमेज, इसको ऑन करते हैं यहाँ पे देखिए कुछ इस तरह का इमेज हो गया। इसके बाल पर भी गौर कीजिएगा, इसके आँख पर भी देखिए पहले कुछ इस तरह का था, अब कुछ इस तरह का हो गया। और इसके फेस पर जो इफेक्ट आ गया है, जो ऑड लग रहा है, इसके फेस को कैसे स्मूथ करेंगे उसका लिंक हम डिस्क्रिप्शन में दे दिए हैं, जाके आप देख सकते हैं या फिर आई बटन में आपको शो कर रहा होगा, ठीक है। तो आशा करता हूँ फ्रेंड्स आप लोग सीख गए होंगे। और एक बात फ्रेंड्स, अभी तक आपने हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि
इस तरह का एजुकेशनल वीडियो हम हमेशा लेके आते रहेंगे, ठीक है। तो फिर मिलते हैं अगले ट्यूटोरियल में अगले टॉपिक के साथ, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।